सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हर खबर सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज न्यूज में। दोस्तों, सेवंथ पे कमीशन लागू होने के बाद में केंद्रीय कर्मचारियों के ट्रेवलिंग अलाउंसेस रूल्स यानी TA रूल्स के बारे में 12 सितंबर 2018 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है और इसी क्लेरिफिकेशन के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा देखिए। खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दें जिससे वो भी इस लेटेस्ट क्लेरिफिकेशन के बारे में जान सकें। तो दोस्तों, ये जो क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है वो आपके सामने है और इसका जो पहला पैरा है उस पैरे के अनुसार कि एज पर FRSR रूल नंबर 71 के अकॉर्डिंग जो कि TA रूल्स के बारे में बात करता है और इसमें यदि जो लोकल जर्नीज हैं उनके लिए ट्रेवलिंग अलाउंसेस यानी जो TA रूल्स हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे कि यदि जो उसका ड्यूटी है या फिर जो प्लेस ऑफ ड्यूटी है वो 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर स्थित है, चाहे उस केंद्रीय कर्मचारी की जो रेगुलर ड्यूटी का जो स्टेशन है वहाँ से या फिर उसके रेजिडेंस से, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ उसकी जहाँ से भी वो ट्रेवलिंग कर रहा है, लेकिन यदि उसका जो प्लेस ऑफ ड्यूटी है वो 8 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में उसे लोकल TA DA दिया जाएगा और इस कंडीशन में जो केंद्रीय कर्मचारी है वो सारे जो TA DA के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी फ़ायदे हैं जैसे कि उसमें माइलेज अलाउंस है और उसके बाद में जो 50% ऑफ डेली अलाउंसेस हैं जो कि 13 जुलाई 2017 के ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार एप्लीकेबल हैं वो एक केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो डेली अलाउंसेस हैं लोकल जर्नी पर वो किस प्रकार से रहेंगे, तो इसमें उन्होंने बताया कि जो सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग जो डेली अलाउंसेस हैं केंद्रीय कर्मचारी के वो 3 कंपोनेंट को मिलाकर बनता है। उसमें पहला आता है होटल अकोमोडेशन, फिर दूसरा आता है ट्रेवल विद इन द सिटी और तीसरा है फूड चार्जेज। तो इस कंडीशन में जो लोकल जर्नीज जो कि 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के लिए की गई है तो उस कंडीशन में जो एडमिसेबल अलाउंसेज रहेंगे वो इस प्रकार रहेंगे। होटल अकोमोडेशन ये नॉट एप्लीकेबल है क्योंकि लोकल जर्नी में होटल अकोमोडेशन या होटल में ठहरने की आवश्यकता नहीं होती। उसके बाद में जो ट्रेवल विद इन द सिटी या फिर माइलेज जो अलाउंस है वो 13 जुलाई 2017 का जो आदेश है उसके पैरा नंबर 2 के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल है कि जिस भी लेवल में आप आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो लिमिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग एक केंद्रीय कर्मचारी को और माइलेज अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। उसके बाद में जो फूड चार्जेज हैं वो फूड चार्जेज एक नॉर्मल जो रेट है उसका 50% एक केंद्रीय कर्मचारी को भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर जो फूड चार्जेज हैं वो 50% के हिसाब से एक केंद्रीय कर्मचारी को दिए जाएंगे, लेकिन उसके बाद में जो लेंथ ऑफ एब्सेंस है उसके अकॉर्डिंग भी कुछ यहाँ पर उन्होंने लिमिटेशन कर दिया है कि कितना एक केंद्रीय कर्मचारी को दिया जाएगा। तो यदि जो एब्सेंस है वो हेडक्वार्टर से 6 घंटे से कम है तो जो भी लमसम अमाउंट है उसका 30% एक केंद्रीय कर्मचारी को किया जाएगा और लोकल जो जर्नी है उस कंडीशन में जो 50% ऑफ अमाउंट जो पेबल है उसका 15% ही एक केंद्रीय कर्मचारी को भुगतान किया जाएगा। उसके बाद में जो यदि एब्सेंस है वो 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में है तो जो नॉर्मल रेट है वो 70% दी जाती है, लेकिन यदि लोकल TA में है या फिर लोकल जर्नी कर रहा है तो उस कंडीशन में जो 50% अमाउंट है उसका 35% एक केंद्रीय कर्मचारी को दिया जाएगा और जो एब्सेंस है यदि वो 12 घंटे से ज़्यादा है तो नॉर्मल टूर में वो 100% दी जाती है, लेकिन एक केंद्रीय कर्मचारी को लोकल जर्नी में वो उसका 50% ऑफ लमसम अमाउंट का भुगतान एक केंद्रीय कर्मचारी को किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ये कंडीशन है कि एक केंद्रीय कर्मचारी कितने देर तक हेडक्वार्टर से एब्सेंस रहता है यानी दूर रहता है ड्यूटी पर, तो उस कंडीशन में इस तरीके से एक केंद्रीय कर्मचारी को लोकल TA DA का भुगतान किया जाएगा। तो इसी के संबंध में ये वित्त मंत्रालय की तरफ से एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया गया है जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो उम्मीद करते हैं जो वीडियो में सूचना दी गई है वो आपके लिए फायदेमंद रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, यदि आपको इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या फिर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर लिखें और ऐसे ही लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स को यदि आप सबसे पहले देखना चाहते हैं और अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें
जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।